है हमारे मतलब आयुर्वेद में भी मेंशन है कई जगह पे, इसको किडनी स्टोन भी कहा जाता है। किडनी स्टोन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है ना, ये गोल गोल, हाँ जी ये गुर्दे जैसी होती है, पूरे गुर्दे वाला जो स्टोन होता है ना, ये मेटाफिजिकली जो हीलिंग के लिए इसको यूज करते हाँ हैं, जी इसकी अंगूठी पहन के बना के पहनी जाए, इसका लॉकेट बना के पहना जाए, तो आपकी किडनी के प्रोटेक्शन के लिए होता है। ब्लड शुगर लेवल्स है ना, हाँ जी उसको बैलेंस करता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी किडनीज पे ना आए, ओके। किडनीज की सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा स्टोन है। ओम नमो नारायण दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। और ओम प्रकाश एंड संस से गीतेश जी के साथ में जो हमारी स्टोन की सीरीज चल रही है, उस स्टोन की सीरीज में आप देख सकते हैं आज ये ग्रीन कलर का जो स्टोन लेके आए हैं गीतेश जी, उसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल सर्वेश जी, ओम नमो नारायण। जी ओम नमो नारायण। सर्वेश जी, आज मैं आपको एक ऐसे ग्रीन स्टोन के बारे में बताने जा रहा हूँ हाँ जी जो कि अपने सिग्नेचर कलर के लिए जाना जाता है। इसको कहते हैं मेलाकाइट। मेलाकाइट हाँ, जी इंग्लिश में इस स्टोन को मेलाकाइट कहा जाता है और हिंदी नाम इसका जो है वो है दाना फिरंग। ये बहुत ही ग्रीन में ना एक बहुत पुराना पत्थर है और काफी समय से आता है मार्केट में, हाँ एक्सपेंसिव जी नहीं है, इकोनॉमिकल स्टोन है। बट ये स्टोन जो है ना, इसके ग्रीन कलर के लिए बहुत फेमस है। हाँ ये जी जो है ना नेचुरल आर्टिस्ट स्टोन, ये आर्टिस्ट का फेवरेट जेमस्टोन भी रहा है। इसको आर्ट में भी यूज किया गया है, अलग अलग मतलब पेंट वर्क में, इनले वर्क में, हैंडीक्राफ्ट में। मतलब ये ऐसा एक यूनिवर्सल स्टोन है जो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, आर्ट को रिप्रेजेंट करता है, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए ये बहुत ही रिच स्टोन है, इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है, इसका कल्चर बहुत रिच है। और इसका कलर, जैसा कि मैंने बताया, इसका जो सिग्नेचर कलर है मेलाकाइट, जो ग्रीन मेलाकाइट ग्रीन कलर, हाँ जी ये ओपेक स्टोन्स में, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, इसके आर पार नहीं देख सकते आप, ये ओपेक होता है। तो ओपेक स्टोन में जो मेलाकाइट का एक सिग्नेचर ग्रीन कलर है, जो कि आपको पूरी जियोलॉजी में, पूरे रत्न शास्त्र में, पूरे जेमस्टोन्स में, ओपेक में आपको ऐसा जेमस्टोन में ग्रीन कलर नहीं मिलता है। ओके हाँ हाँ, तो मेलाकाइट स्टोन की ये ब्यूटी है। जी और मेलाकाइट जो स्टोन है, अगर मैं जेमोलॉजिकली बात करूं तो ये कॉपर है, इसके अंदर हाइड्रेटेड कॉपर है ये। ओके हाँ, और इसकी फॉर्मेशन जो है वर्ल्ड में बहुत जगह होती है जी। रशिया से आता है पत्थर, इसका ओरिजिन आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, रशिया में यूराल माउंटेन से आता है ये। तो बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं इसके, इकोनॉमिकल स्टोन है। और इसी फॉर्मेशन में बताऊं कैसे होती है, जो कॉपर के डिपॉजिट होते हैं ना, जो वर्ल्ड में मतलब वो जो वेदर्ड हो जाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, रेन वाटर मतलब वेदरिंग की वजह से, जो कॉपर है ना वो धीरे 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 ऑक्सीडाइज हो जाता है और ओवर द ईयर्स वो एक सॉलिड फॉर्म बन जाती है और कलर चेंज हो जाता है उसका। कई ओके केमिकल कॉम्पोजिशन इसके अंदर, कई चीजें मतलब वेदर की वजह से चेंजेस, हाँ जी जो हाँ जी ओपन रहता है ये, मतलब ये रॉक्स ओपन है, कॉपर डिपॉजिट जहां मिला नेचर में, वहां वेदरिंग की वजह से, पानी की वजह से, बारिश की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन में, धीरे 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 वो रॉक बन जाती है, हाँ जी पत्थर बन जाता है, ग्रीन हो जाता है। और उसके अंदर ना आपको सिग्नेचर में बता दूं मेलाकाइट के अंदर स्वर्ल्स होते हैं ऐसे गोल गोल, पिगमेंट्स होते हैं ऐसे गोल गोल। हाँ जी तो ये एक सिग्नेचर इंक्लूजन है मेलाकाइट का। अच्छा, मैंने सुना है कि ये जो है समुद्र की काई से भी बनता है। जी देखो, ये ना एक तरीका है बताने का हाँ जी लेमैन के लिए, जेमोलॉजिस्ट इस तरह से नहीं कहेगा, मैं हाँ वेदरिंग जी कहूंगा इसको, लेकिन हाँ आप कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि वो भी कॉपर डिपॉजिट होते हैं जो काई होती है समुद्र की या तालाब के किनारे, हाँ जी है ना, वो वेदरिंग की वजह से जो किनारों में जो कॉपर डिपॉजिट्स होते हैं वो हवा पानी की वजह से धीरे 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 ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वहां पे ये रॉक्स जो हैं, जहां भी कॉपर डिपॉजिट होगा हाँ जी और वेदरिंग की वजह से अगर वो ऑक्सीडाइज होगा, तो ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स वो मेलाकाइट में स्टोन कन्वर्ट हो जाता है, स्टोन में कन्वर्ट हो स्टोन में जाए। कन्वर्ट हो जाता है। इसको समुद्र की काई काई भी कह दिया जाता है इस स्टोन को। ओके इस स्टोन की मेटाफिजिकल एक जो बहुत पॉपुलर है हमारे मतलब आयुर्वेद में भी मेंशन है कई जगह पे, इसको किडनी स्टोन भी कहा जाता है। किडनी स्टोन इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मेशन होती है ना, ये गोल गोल, हाँ जी ये गुर्दे जैसी होती है। बिल्कुल इसको मेलाकाइट को जो हमारे डिमांड भी आती है लोगों की, हाँ तो वो जी कहते हैं कि हमें पूरे गुर्दे वाला स्टोन चाहिए, जैसे ये ना अच्छा पूरा गुर्दा है इसमें, अच्छा मतलब पूरा बना हुआ पूरा उसमें। गुर्दा बना हुआ है इसके अंदर। ओके तो ये पूरे गुर्दे वाला जो स्टोन होता है ना, ये मेटाफिजिकली हीलिंग के लिए इसको यूज करते हाँ हैं, जी इसकी अंगूठी पहन के बना के पहनी जाए, इसका लॉकेट बना के पहना जाए, तो आपकी किडनी के प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्रोटेक्शन कैसे होती है, जो स्टोन है ना मतलब जो हमारी ब्लड शुगर लेवल्स है ना, हाँ जी उसको बैलेंस करता है, उसका हार्मफुल इफेक्ट हमारी किडनीज पे ना आए, ओके किडनीज की सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा स्टोन है। ट्रेडिशनली
मतलब पौराणिक काल से पहना जाता है, किडनी स्टोन के नाम से फेमस भी है जेम स्टोन। लेकिन हम जो है अपने एंड पे ना ये सलाह नहीं देते हैं लोगों को कि इसको आप पानी में ओवरनाइट रख के इसको इसका पानी पिए। हाँ ऐसा भी कहते हैं, लेकिन देखो मैं एक जेमोलॉजिस्ट हूं तो मैं साइंटिफिक बात करता हूँ। ऐसा करा जाता है, कर भी सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जहां पे ये इसका डिपॉजिट मिलता है और अगर मेलाकाइट जो है ना उसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल भी ट्रैप हो गया और अगर आप उसका ओवरनाइट पानी पी रहे हैं तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिक्स भी आ सकते हैं। किडनी को तो हील करेगा लेकिन कुछ टॉक्सिक्स भी दे सकता है, क्योंकि मेलाकाइट जो है जिस तरह से बनता है ना वो टॉक्सिक्स भी ट्रैप कर लेता है, कई कंडीशन में बना है उसको कह नहीं सकते हो क्या कंडीशन। हाँ हाँ, तो भाई सेफ्टी की वजह से मैं कहता हूँ कि वाटर थेरेपी के लिए मत यूज करो इसको, क्योंकि धीरे धीरे भुरता है स्टोन, धीरे धीरे घिसेगा ये स्टोन। लेकिन आपने पहन रखा है अपनी स्किन पे है ना और आपने लॉकेट पहन रखा है, वैसे आप इस्तेमाल करें तो सबसे अच्छा है टू बी सेफ, क्योंकि नेचर में कब क्या उसके अंदर ट्रैप हो गया और वो धीरे धीरे आप अगर पानी की तरफ मतलब आप अगर उसे कंज्यूम करेंगे तो अगर उसमें टॉक्सिक रहा तो वो फिर आपको नुकसान भी दे सकता है जी। तो सर्वे जी ये जो ओरिजिन, इसकी ओरिजिन के बारे में तो मैंने बता दिया इसको। हाँ जी। हम जो इसको कांगो से इम्पोर्ट करते हैं ज्यादातर। ओके। हाँ, कांगो से हम इसको ऑस्ट्रेलिया से भी इम्पोर्ट करते हैं, रशिया से भी इम्पोर्ट करते हैं। और ये स्टोन जो है ना जी मतलब काफी सॉफ्ट स्टोन है, तो इसके अंदर ना जैसे डेकोर में बहुत यूज होता है, इसकी प्लेट्स बनती है। ओके। इसकी मूर्तियां बनती हैं और इसमें आराम से कार्विंग हो जाती है। तो जैसे प्लेट बनी हुई है ऐसे नाजुक तो नहीं है कि टूट जाए? नहीं, टूट सकती है, नाजुक तो पत्थर है ही है। ओके। ये आप पत्थर जब ब्रेसलेट पहनते हैं ना, जो लोग हमारे से ब्रेसलेट लेते हैं, थोड़े टाइम बाद इसकी जैसे अभी तो पॉलिश चमक है ना, थोड़े टाइम बाद इसकी पॉलिश डल हो जाएगी बिल्कुल। ओके। बिल्कुल डल हो जाती है, फिर थोड़े टाइम बाद ये दाना भी टूट जाएगा। ये बहुत कच्चा पत्थर है। मोन स्केल पे हमारे जेमोलॉजी में जो हार्डनेस होती है ना मोन स्केल पे नापी जाती है, तो मोन स्केल पे ये 4 से 5 आता है, जो कि बहुत ही कच्चे पत्थर की पहचान है। ओके। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम 10 होता है, डायमंड 10 आता है, डायमंड 10, नीलम पोखराज 9 आते हैं। ओके। तो ये 4 नंबर पे आता है, 3.5-4 नंबर पे आता है। तो काफी नाजुक पत्थर है, टूट जाता है, लेकिन ये पॉपुलर जेमस्टोन अपनी मेटाफिजिकल और हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए, स्टोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है इसको। तो अगर मैं एक लाइन में पूछना चाहूं कि किन लोगों को ये पहनना चाहिए? जी जिन लोगों को अपनी हेल्थ में, अपनी किडनी की सेफ्टी के लिए बेनिफिट चाहिए उनको पहनना चाहिए। हाँ जी। और जो लोग जो है ना अपनी लाइफ में एक कंप्लीट टर्न अराउंड चाहते हैं, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, हाँ जी, उनको पहनना चाहिए, क्योंकि जो मेटाफिजिकली और जो पौराणिक काल से इसका जो महत्व, जो ग्रीक माइथोलॉजी में और कल्चर्स में भी, हमारे कल्चर में भी इसको जो है ना कंप्लीट टर्न अराउंड के रूप में बताया गया है, जब आपने अपने अनवांटेड टाइज को ब्रेक करना है। हमारा ना लाइफ का एक ही पैटर्न ऐसे गोल 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 चलता रहता है। बिल्कुल। हम ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, उसमें घिर के रह जाते हैं। तो इसके जो सर्कल्स है ना, हाँ जी, इसे एक विशियस साइकिल के रूप में बताया गया कि हमें अगर अपनी लाइफ में कंप्लीट टर्न अराउंड लेना है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, तो मेलाकाइट इज योर क्रिस्टल। ओके। आप एक मेलाकाइट पहने इस संकल्प के साथ कि ये एक स्टोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है जी, पूरा कंप्लीट टर्न अराउंड मेरे को अपनी लाइफ में, कुछ सिचुएशन में एक नई दिशा लेनी है मेरे को, तो उसके लिए आपको बल देता है। ओके। आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाता है जी, और ये आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है। ओके। एक हाँ। और की अगर इसको कोई भी पहन सकता है या बिल्कुल नहीं बिल्कुल कोई भी पहन सकता है। ओके। कोई भी पहन सकता है ना, कोई, ये तो सेमी प्रेशियस स्टोन है। देखो कुंडली के लिए तो हम नवग्रह जो नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल ग्रीन स्टोन है, आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है, स्टोन ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है और एक्सीलेंट हेल्थ बेनिफिट है, खास करके आपके लोअर एब्डोमिनल के लिए, आपकी किडनीज के लिए। ओके। हाँ, और एक चीज मैं इसके अंदर आपको खास बताना चाह रहा था मेलाकाइट में, ये देखो एक ये ना मेलाकाइट है जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। ओके। मैं इसी पे ही आने वाला था। ये देखो ये दिखने में एकदम नेचुरल जैसे लगता है, इसमें पूरी आंख भी दिखेगी, लेकिन ये जो है ना ये सब बनाया हुआ है। हाँ, ये मेलाकाइट की ही डस्ट से बनाया गया है। ओके। जो इसकी कटिंग करते हैं, कार्विंग करते हैं ना जब आर्टिस्ट, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका पाउडर निकलता है, बिल्कुल। फिर उसको रेजिन में मिला के उसको रॉक बना देते हैं और फिर उसको कट पॉलिश कर देते हैं। ओके। तो ये आर्टिफिशियल मेलाकाइट जो है ज्यादातर यही आपको मिलेगा, मतलब ऑनलाइन भी से अगर इसको किसी ने स्टोन को मतलब वाटर थेरेपी करके पी लिया तो फिर नहीं, वाटर थेरेपी में तो काम ही नहीं करेगा ये, उसको पता चल जाएगा नहीं करेगा, बट फिर उसमें क्या क्या, ये तो प्लास्टिक जैसा होता है, तैरने भी लग जाएगा ये वाटर थेरेपी नहीं, ये तो मतलब ब्रेसलेट्स वगैरह में लोग इसको ज्यादातर यूज करते हैं मालाज में, हाँ जी, क्योंकि नेचुरल मेलाकाइट बनाने में ही टूट जाता है,
देखो हम तो क्या अपनी रफ प्रिपेयर करते हैं, फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो सूरत वगैरह में है तो बड़ी हाई एंड मशीन से हमारे ड्रिल का प्रोसेस होता है, तो हम तो पत्थर नरम से नरम पत्थर में भी बीड्स अचीव कर लेते हैं। लेकिन जिन्होंने बहुत क्वांटिटी में बनाना है और उनको सिर्फ मेलाकाइट की लुक चाहिए, तो ज्यादातर लोग यही मटेरियल यूज करते हैं, उसकी डस्ट को एक रेजिन में मिला के उसे और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और उसके बीड्स बना देते हैं। बहुत ड्यूरेबल होता है, टूटेगा भी नहीं, तोड़ने से भी नहीं टूटेगा, इससे ज्यादा मजबूत होगा। हाँ, और ये वाला पहनते पहनते टूट जाता है। हाँ, लेकिन ये क्या नेचुरल पत्थर है। आप नेचुरल पत्थर की आप ब्यूटी देखो, इसके अंदर की आप धारियां देखो, इसकी क्वालिटी देखो, जो मेलाकाइट की क्वालिटी हम दे देंगे ना आपको, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको नेचुरल। और जो क्वालिटी देखो, ओम प्रकाश एंड कोई भी क्रिस्टल लोगे ना जी सर्विस, हमारे यहाँ से नेचुरल ही मिलेगा और बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। जो भी चीजें क्लियर हम बता के देते हैं जी। और क्वालिटी के बारे में मैं आपको ये बता दूं, हमारे यहाँ से जैसे आपको मेलाकाइट है ना, उसकी हम ना जैसे पॉलिशिंग जो है उस पर खास ध्यान देते हैं, क्योंकि नरम पत्थर है जी। तो उसकी पॉलिश का एक स्पेशल प्रोसेस है। ओके। हाँ, वो मतलब एक एक पीस को बड़ी केयरफुली पॉलिश किया जाता है जी। तो वो कोटिंग करके हम इसको पॉलिश करते हैं, तब इतनी अच्छी चमक आती है इस पे। ओके। हाँ, तो ये पहना एक रिंग में पहना जाएगा, ब्रेसलेट और जी ये मतलब किस किस तरह से इसको पहन सकते? देखो आप इसको कई तरह से यूज कर सकते हो, सबसे ज्यादा पॉपुलर तो हमारे ब्रेसलेट्स हैं ये मेलाकाइट के, क्योंकि रिस्ट पे पहन लेते हैं, इनको इजी टू वियर है जी, और कन्वीनियंस है इसकी बिल्कुल, है ना। और माला के रूप में भी आप ले सकते हो, माला हमारी 6 mm की माला रहती है, 108 दाने की, आप जब भी कर सकते हो पहन भी सकते हो। ओके। जो योगा एंथुजियास्ट है उसमें बहुत पॉपुलर है स्टोन्स। ओके। और मालाज बहुत पॉपुलर है, लोग इसकी पूरी मालाज पहन लेते हैं, जप करते हैं। माला क्या एक टूल है, एक सेक्रेट टूल है, जिसको हम अपनी ना जर्नी के लिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में यूज करते हैं माला का जी। माला जब हमने पहनी है ना, तो वो एक डेली रिमाइंडर है कि हमने जब करना है, हमें आज कोई डिसीजन है तो उस पर आगे अपनी राह पे आगे बढ़ना है, तो माला का एक सेक्रेट टूल है। माला में 108 दाने हैं, एक गुरु बीड है और एक टेसल है, हर एक कॉम्पोनेंट माला का एक अर्थ होता है। किसी दिन एक माला पे भी पूरी डिटेल में बात करेंगे हाँ जी, हाँ। लेकिन फिलहाल मेलाकाइट जो एक क्रिस्टल है, स्टोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी आप माला भी ले सकते हैं, उसकी आप ब्रेसलेट ले सकते हैं, उसके आप हमारे यहाँ से ऐसे स्टोन सिलेक्ट करके और सिल्वर में आप कस्टमाइज अपनी रिंग भी बना सकते हैं। ओके जी। तो इसको पहनने का तरीका क्या है? पहनने का तरीका ये है, आप इसको सोमवार के दिन हाँ जी, बुधवार के दिन आपने इसको धारण करना है। जैसे आपने हमारे से रिंग बनवा ली मेलाकाइट की, अब आपने इसको पहनना है हाँ जी। तो एक स्टोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आप मंडे से स्टार्ट करें, या ग्रीन कलर क्योंकि बुध ग्रह के लिए भी है तो वेंसडे को भी पहन सकते हैं। ओके। तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप नहा धो के जैसे अपने घर में पूजा करते हैं वैसे आपने पूजा करनी है हाँ जी। और जो स्टोन है आपने अपना, वो भगवान को अर्पित कर देना या डिवाइन को अर्पित कर देना, जो भी आपके इष्ट देव हैं उस समय पे, अपने मन में भोलेनाथ राम जी या जो भी आपके इष्ट देव हैं या हाँ जो भी आपके गुरु हैं, उसका ध्यान करके कि ये मैं रत्न जो है अपनी हेल्थ के लिए, है ना, अपनी बॉडी में हीलिंग के, मतलब अपनी हेल्थ के लिए कामना करनी है, सद्बुद्धि की कामना करनी है, ये दोनों चीजें होंगी ना तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी बिल्कुल, और कामयाबी की कामना करनी, बस ये कामना करते हुए अपना कोई मंत्र है, गुरु मंत्र है, उसका ध्यान करें और इसको लंबी सांस लेते हुए आपने अपनी किसी भी रिंग में पहन सकते हैं आप, रिंग फिंगर में, मिडिल फिंगर में, शरीर से टच करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, और हम इसको एनर्जाइज करके भी भेजते हैं हरिद्वार से, खास करके गंगा जल से जितने भी हमारे स्टोन है जी। तो बाकी हम अपने कस्टमर्स को बता देते हैं पहनने का तरीका। हाँ जी, हाँ जी, एक बार प्राइस भी बता दीजिए इनका। प्राइस बहुत इकोनॉमिकल स्टोन है, बेस्ट क्वालिटी का, जो पूरे गुर्दे वाला जो हमारा मेलाकाइट स्टोन है, 200 रुपए कैरेट में मिल जाएगा आपको। ओके। मान लो ये 10 कैरेट का स्टोन है हाँ जी, हाँ जी। तो 200 रुपए कैरेट से मिल जाएगा, हाँ 2000 का स्टोन आ जाएगा, सिल्वर की मेकिंग एडिशनल हो जाती है जी। सर्वे जी, आप इसको ब्रेसलेट्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ब्रेसलेट हमारे पास 6 mm, 7 mm और 8 mm तीन साइजेस में बनाते हैं। ज्यादा बड़ा हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि भारी होता है स्टोन और टूट जाता है जल्दी। तो 6 mm, 7 mm, 7 mm हमारा बेस्ट सेलर है इसमें क्योंकि ड्यूरेबिलिटी अच्छी आती है उसकी। और कॉस्ट जो है, जैसे 6 mm का ब्रेसलेट जो है आपको 900 का मिल जाएगा, 7 mm का ब्रेसलेट 1200 का मिल जाएगा। हाँ, और 8 mm का ब्रेसलेट आप लेंगे तो 1500 का मिल जाएगा। और इसकी माला जो है हमारी 6 mm की आपको 2500 की मिल जाएगी, 7 mm की माला आपको 3500 की मिल जाएगी। Okay. और 8 mm की माला आपको 4500 की हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। Okay. तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो मेलाकाइट स्टोन के ऊपर। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।